बुद्ध जिस कमरे में सोते, जिस पेड़ के नीचे सोते, आनंद वही है। आनंद और बुद्ध साथ ही साथ रहे लगभग 40 वर्ष से भी अधिक काल तक। सो आनंद का ऐसा पूछना भी जायज है, क्योंकि उसने सालों बुद्ध को देखा है कि वो भाई करवट एक बार लेते तो सुबह तलक जब तक वो उठ नहीं जाते वो उसी करवट में रहते। तुमने देखा लोग कैसे सोते, वो बिस्तरे में पड़े पड़े कम से कम 2-4 किलोमीटर चल जाते, कभी पैर हिलाएंगे, कभी घुटना हिलाएंगे, कभी मोड़ेंगे टांग, कभी खोल देंगे, कभी सीधे लेटेंगे, कभी साइड में लेटेंगे, उसमें भी कभी टांग तीर कमान कर लेंगे, फिर दाई करवट हो जाएंगे, फिर पेट के बल लेट जाएंगे, फिर थोड़ी देर में पीठ के बल लेट जाएंगे। कितनी हरकत होती रहती है। पर बुद्ध तो एक बार लेटे तो बस लेटे, उसी दिशा में, उसी एंगल में। आनंद के प्रश्न को सुन बुद्ध ने कहा, आनंद अपनी साधना काल में एक रात सोए सोए में अचानक से जो मेरी नींद खुली तो क्या देखा कि बेहोशी में, नींद की बेहोशी में मैंने अपने आप की शरीर की जो पोजीशन है वो बदल दी थी, और मैं कब करवट ले गया मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि नींद छाई हुई थी। मैं चौंक कर उठ के बैठा और विचार करने लगा, नींद में कब शरीर की करवट बदली मुझे मालूम नहीं, इतनी बेहोशी। और इसी नींद में किसी दिन मौत हो गई तो मुझे तो उसके आने का भी पता ना चलेगा। मैं बेहोशी को तोड़ रहा हूं और यहां नींद की बेहोशी अभी भी मेरे साथ जुड़ी है। उस दिन के बाद से मैं सोता भी होश में हूं। मैं नींद की बेहोशी को अपने ऊपर छाने नहीं देता। तो यूं तो मैं लेटा हूं, यूं तो मेरी सांस की चाल बदलती होगी, बदलती है, यूं तो मेरी आंख बंद है, यूं तो मैं प्रतीत होता हूं कि मैं सो रहा हूं, पर वास्तव में मैं सो के भी सो नहीं रहा होता हूं, मैं तब भी जगा हुआ होता, मैं जागृत होता। मैं नींद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, मैं बेहोशी को अपने ऊपर छाने नहीं देता, मैं जगा रहता हूं। इसलिए रात नींद में न शरीर हिलता है न मन। जब आपका मन हिलता है तो स्वप्न आते हैं, और जिसका मन हिले नहीं उसकी नींद भी ध्यान हो गई, उसकी नींद भी समाधि हो गई। और जिसके स्वप्न चलते रहे जानना उसका मन भी चलायमान है। तो जितने ज्यादा स्वप्न आए जानना तुम्हारा मन उतना ही अधिक चंचल है, और जिसका मन चंचल है उसको अभी बहुत जागरूक होने की जरूरत है। आनंद को कहा बुद्ध ने, अब मैं बेहोशी में सोता भी नहीं। जिसने बेहोशी में सोना भी छोड़ दिया उसका जागना कैसा होगा, कितना जागृत जागना होगा, कितनी जागरूकता से वो जीता है। ऐसा जागरूक व्यक्ति ना फिर कुछ गलत कह सकता है, ना गलत कुछ बोल सकता है, ना गलत कुछ कर सकता है, क्योंकि वह जागृत है। इसीलिए बुद्ध बुद्ध है, क्योंकि बुद्ध जागृत है और बुद्ध सोते नहीं। हमारा मन कौतूहलवश बहुत कुछ जानना चाहता है। तो ऋषि ने जब ये कहा कि हमें उस गुरु के स्वरूप के बारे में कुछ कहिए, तो सूत जी मौन रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, चुप हैं।
बार 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 पूछे जाने पर, बार बार प्रश्न दोहराने पर फिर वो स्वीकार करते हैं बोलना। ये जानना आवश्यक है कि सामने वाला प्रश्न खाली ऐसे ही पूछ रहा है कि उसके पूछने के पीछे कुछ त्वरा है, कुछ खोज है, कुछ प्यास है। सुत उवाच ऋणुद्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदः वदामि भवरोग्निं गीता मात्र स्वरूपिणीं। सूत ने कहा हे सर्व मुनियों, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मात्र स्वरूपिणी गुरु गीता को कहता हूँ, आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। श्रद्धा से भी और प्रसन्न होकर के भी। प्रसन्न क्यों? भाई आपने पूछा, हम जवाब दे रहे हैं, खुश तो होना चाहिए। आप पूछते हम जवाब नहीं देते तो तुम दुखी होते। आप पूछ रहे हो हम उत्तर दे रहे हैं, सो प्रसन्न होकर सुनिए। और खाली प्रसन्न ही नहीं रहिए, श्रद्धा से भी सुनिए। सुनना कैसे है सूत जी वह भी बता रहे। कई बार मैं देखती हूँ सत्संग में लोग आए तो हैं, बैठे तो हैं, पर ऐसे बैठे होते हैं जैसे लूटी हुई बारात। जैसे किसी किसान की फसल को गाय बैल खराब कर जाए तो लुटा पीटा कैसा बैठा होगा। अभी भी तुम में कई ऐसे ही बैठे हुए थे। प्रसन्नता नहीं है, प्रश्न है क्यों नहीं है। जरूरी है कि मैं कोई चुटकुला तुमसे कहूं तभी तुम मुस्कुराओगे, नहीं तो रोनी सूरत जिसको देख के लगता आंख ही बंद रखो, देखो मत, देखने योग्य ही नहीं। तुमने नाम सुना होगा सुदर्शन, कईयों का नाम भी होता है सुदर्शन, जिसको देखने में सुख हो, सुदर्शन। माना तुम्हारा नाम सुदर्शन नहीं है, पर चेहरा ऐसा तो रखो जिसे मैं देख सकूं। पिछले दिनों एक सज्जन किसी के साथ आए हुए थे, बैठे हैं मेरे सामने, पर उनकी शक्ल ऐसी थी जैसे अभी लड़ पड़ेंगे मेरे से। ऐसा नहीं कि वो लड़ने आए, वो तो मुझे जानते भी नहीं है, पर बैठे हैं सामने। तो बड़ा जी हो रहा था, पूछूं भाई तू इतना गुस्से में क्या है, क्यों है, बीवी भाग गई क्या, लड़के ने लड़ाई कर दी क्या, बेटी ने कोई चक्कर चला रही है तेरे पूछे बगैर, नौकर भाग गया तेरा पैसा लेके, क्या हुआ है। थोड़ा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हारा चेहरा कैसा है। पर चक्कर है तुम्हारा चेहरा तुम्हारे मन की हालत को बयान कर रहा होता है। मन जला बुझा है तो चेहरा खुश कैसे होगा। जो दुखी हो, जो परेशान हो, उसको तुम कहो भाई क्या बात है, तुम उदास से क्यों दिख रहे हो, परेशान क्यों। बोले मैं परेशान हूं, चाहूं तो दिखूंगा भी। तो तुम्हारी ये जो शक्ल में जो देखती हूं तो इसका अनुमान मैं यही लगाऊं कि तुम दुखी हो, इसलिए दुखी शक्ल होती है तुम्हारी। चेहरा या तो शांत हो या प्रसन्नता में हो। प्रसन्न कह रही हूं, ठहाक के लगाना नहीं कह रही हूं। आजकल बड़ा पॉपुलर है दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात बगीचों में लाफ्टर क्लब्स, बड़ा अद्भुत है ये भी नजारा।
दस बीस बुढ़े बुढ़ियाँ इकट्ठे होंगे, गोल दायरा बनाएंगे, उनका एक लीडर होगा, वो कहेगा चलिए अब हंसते हैं भाई, हंस लो। नहीं, उसमें भी वैरायटी है। वो कहते तो मुंह होठ बंद रखो और मुंह मुंह में हुँ, 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 हुँ। सब वही कर रहे हैं। अब थोड़ा मुंह खोल के हंसो, अब दांत खोल के हंसो, अब बाएं हिला हिला के हंसो। आ हा 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 हा, फिर हाथ नीचे आ गए। अच्छा फिर से करो आ हा 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 हा, आ हा हा, फिर सड़ी शक्ल, फिर सब वैसी की वैसी है। हंसना अच्छी बात है, नो डाउट। गुड केमिकल्स शरीर में रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। पर उस हंसी की कुछ आत्मा भी हो कि नहीं? हंसी की लाश को ढो रहे हैं। एक जो इन कोई और इसी तरह लाफ्टर क्लब के कोई जो लीडर है, उन्होंने एक और नया तरीका ढूंढा। वो पहले तो हाथ हवा में हिलाते थे ऊपर ऊपर, अब वो उन्होंने कहा बगलें बजाओ, और सब बगलें बजा रहे होते हैं। वो कहा अब हंसो। एक ने और जोड़ दिया, टांग भी उठाओ साथ में, तो बगलें बजाओ टांग हिलाओ। अब बुढ़े से टांग हिलेगी भी कितनी, 2 इंच उठ जाए ये भी बड़ी बात होती। हंसी के नाम पे रो रहे हैं, पर आदमी कितना दुखी कि हंसने के लिए भी उसको पार्क में जाना पड़ता है। एक से पूछा क्या आप लाफ्टर क्लब के मेंबर हो? हाँ। क्यों हो? कह रहे क्या करे, सारा दिन तो हंसने को मिलता नहीं, यहाँ एक दूसरे की शक्ल देख के हंस लेते। मैं क्या तुम सब कार्टून हो? बोले एक दूसरे की शक्ल देख के हंस लेते हैं। जिंदगी दुख की कहानी होकर रह गई। हंसने के लिए भी बाहर जाना पड़े, हंसने के लिए भी किसी लाफ्टर क्लब का मेंबर होना पड़े, इससे ज्यादा मनुष्य की दुर्दशा और क्या हो सकती? ये तो शुक्र है कि लाफ्टर क्लब की मेंबरशिप फ्री होती, आई होप सो, अन्यथा पैसे दे के हंसते हो। प्रसन्न ठाके नहीं, प्रसन्न। गंभीर होना एक बात है, शांत होना भी बड़ी सुंदर बात है, पर प्रसन्न ये उससे भी सुंदर बात है। एक ने कहा प्रसन्न होने को जीवन में है क्या? ठीक है भाई, इतना अज्ञान छाया हुआ है तो तुम्हें कुछ दिखेगा थोड़े ना, और अगर ध्यान से देखे तो जीवन है, जीवन का होना प्रसन्न होने के लिए काफी है। हम जीवित हैं, दिस इज इनफ रीजन, आई एम अलाइव, दिस इज इनफ रीजन टू हैव द हैप्पी फीलिंग इन योर माइंड एंड स्माइल ऑन योर लिप्स। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द में बड़ी गहरी बात कही गई। इतना भी कह सकते थे कि श्रद्धा से सुनो, तो उन्होंने कहा श्रद्धा और प्रसन्नता से। प्रसन्न हो। सोचो आज से हजारों वर्ष पहले जब ये 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए थे, ये संवाद जब हुआ था, वही संवाद तुम आज इस कलयुग में यहाँ बैठ कर के सुन रहे हो, इससे बढ़िया और प्रसन्नता की बात क्या हो सकती? सूत जी जैसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उस गुरु के रहस्य को वर्णन कर रहे हैं, जिसमें वक्ता इतना उत्तम है और जिसमें प्रश्नकर्ता कोई कौतूहलवश पूछने वाले लोग नहीं, जो साक्षात तपोमूर्ति, ज्ञान मूर्ति, आनंद मूर्ति, सत्य के स्वरूप, सत्य में निष्ठ महात्मा, ऋषि, तपस्वी, मुनि, ये पूछ रहे।
तो ऋषि ही बोल रहा है, ऋषि ही सुन रहे हैं। और ऋषियों की इस परम गाथा को आज तुम सुन रहे हो, ये तो कितने सौभाग्य की बात हुई, कितने आनंद की बात हुई। संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मात्र स्वरूपिणी गुरु गीता को मैं अब कहता हूं। संसार को सूत जी रोग कह रहे, संसार के होने को रोग कह रहे हैं। जन्म नाम दुख, जन्म ही जहां दुख है। योग वशिष्ठ में जिसका एक दूसरा नाम महारामायण है, महारामायण में राम जी वैराग्य प्रकरण में ये बोलते हैं। वशिष्ठ जी को अपने मन की बात, मन की अवस्था वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था ये कि लोग कहते हैं जन्म में बड़ा सुख है, पर कभी किसी बच्चे को देखो तो उसके जीवन में क्या सुख है, अधीन है बच्चा, शरीर से निर्बल है। मनुष्य का बच्चा सबसे निर्बल होता है, गाय भैंस का बच्चा एक हफ्ते में दौड़ने लग जाता, मानव के बच्चे 3 साल में, 3 साल तलक दिन रात दिन रात दिन रात माँ पे निर्भर है, बाप पे निर्भर है, किसी पर निर्भर है। भूख लगे कह नहीं सकता भूख लगी है, प्यास लगे कह नहीं सकता प्यास लगी है, पेट दुख रहा हो कह नहीं सकता है कि प्यास लगी है, कोई शरीर में पीड़ा हो रही है बच्चा बोल नहीं सकता शरीर में पीड़ा हो रही है। और अगर माँ मूर्ख है बेहोश है तो उस बच्चे की दुर्दशा सोच सकते हो क्या होती होगी। मेरे घर के पास एक महिला थी, वो कह रही थी कि एक बार मैंने अपने बड़े बच्चे को, उसका पहला पुत्र हुआ था, कहते मैंने अपने पुत्र को लंगोट बांधा, हम ये नैपीस तो होते नहीं थे, घर के बने हुए कपड़े के लंगोट बच्चे को लगाए जाते थे, तो कहती मैंने लंगोट लगाया और सेफ्टी पिन लगा करके ताकि खुल ना जाए। कहती मैं इधर उधर काम कर रही थी और बच्चा है कि रोए जाए रोए जाए रोए जाए रोए जाए, समझ नहीं लगी क्या हुआ। बोले मेरी सास आई तो उसने उठाया, देखा तो सेफ्टी पिन बच्चे के पेट के अंदर से घुसा दिया था उसने, कपड़ा है मोटा तो वो जोर से लगा दिया होगा तो बच्चे की स्किन को चीर करके वो सेफ्टी पिन लगाया, बच्चा कह भी नहीं सकता बोल भी नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता आ नहीं सकता। माँ समय पर उसे दूध दे दे तो ठीक, ना दे तो ना दे तो बच्चे के लिए सब कुछ नया है, सब कुछ अनजान है। माँ उसे अकेले कमरे में छोड़ कर चली जाती, कोई जानवर आके उसे खा ले मार दे, क्या कर सकता है बच्चा। कई घरों के किस्से हैं, बिल्ली उठा के ले गई मार दिया उसने, कुत्ता उठा के ले गया मार दिया, उसके लिए तो वो मांस का टुकड़ा होगा शायद। राम कहते हैं कि बाल्यकाल दुख की गाथा है, निर्बल दुर्बल शक्तिहीन जवानी में अपनी इंद्रिय और मन के बहाव में बह जाता है, तो वासनाओं की अग्नि में जलता है और भोग भोगते हुए शरीर से संसार की दौड़ लगाते लगाते वृद्धावस्था में आते आते कमजोर रोगी काया निर्बल फिर से हो जाता है। राम कहते मेरा चित्त बड़ा दुखी है इसको देख करके, मानव जीवन तो दुख की गाथा है। सो वही बात सूत जी कह रहे हैं कि संसार रूप रोग का नाश करती है यह गुरु गीता, और ये गुरु गीता माँ के समान है और इसको तुम अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनो। जो राम
पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, साचा
संत मरे हाणंदे ता सगली सैन तर ही देवा।